नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। हमने आपके सितारे में आपको हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में जानकारी देने की शुरुआत की है। आज इसी क्रम में हम जानेंगे कि क्या है पुंस वन संस्कार और क्यों आवश्यक है ये संस्कार, और इसके अलावा रोज की तरह जानेंगे क्या कहती हैं आपकी राशियां और कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या होता है पुंस वन संस्कार? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से पुंस वन संस्कार का महत्व। सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है, वैशाख, और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है श्रवण, योग है शुभ और करण है तैतिल। चलिए ये तो था पंचांग, अब रुक करते हैं राशियों की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है? मेष राशि वाले जातक लोगों को आज समय का विशेष ध्यान रखें। अगर आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो उत्तम समय आपके हाथ से निकल सकता है। आज का दिन, आज की तिथि, आज का हर एक क्षण बहुत ही बहुमूल्य है और इस बहुमूल्य समय का पूरा पूरा लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। आप आज किसी करीबी व्यक्ति को लेकर के थोड़ा सा परेशान और चिंतित हो सकते हैं। उसकी गतिविधि, उसका बात व्यवहार और उसकी परिस्थिति आपके लिए कुछ चिंता का कारण बन सकती है। आज आपसे कोई व्यापारिक स्तर पर नया संबंध जोड़ सकता है, या यूं कहा जाए कि आप कोई नया व्यापारिक अनुबंध कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को अपने व्यापार से जोड़ सकते हैं। आज लोग आपकी तरफ काफी आकर्षित हो सकते हैं, जिसका मूल कारण, जिसकी वजह जो है वह आपका आकर्षक व्यक्तित्व है। तो आज की तिथि में आपको अपने दिनचर्या में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दिन का पूरा लाभ लेने का प्रयास निरंतर करते रहें। ओम बीजापुर फलाशक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को आज आप नजरअंदाज ना करें। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको आज अपने काम और रहन सहन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। आज आप अपने मित्रों के काफी करीब जाएंगे। आज आपको कोशिश ये करना चाहिए, प्रयास ये करना चाहिए कि कोई आपके फैसलों में, जो आपको आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, उसमें बहुत ज्यादा दखलंदाजी ना करे, अपने विचार आपके ऊपर न थोपे या फिर किसी भी प्रकार का आपके ऊपर दबाव न बनाया जाए। आज आपके मित्रों का जो सर्कल है, या यूं कहा जाए कि आपका जो सोशल सर्कल है, वो आज और बढ़ सकता है, उसमें विस्तार होने की संभावना दिखाई देती है। आज के दिन का पूरा पूरा लाभ लेने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य क्षेत्र में आ रही बाधा से, रुकावट से आपको तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए नए लोगों से आज आपकी मुलाकात संभव है। आज आपका अकेले में रहने का मन कर सकता है, थोड़ा सा आप नितांत अकेला रहना चाहेंगे, जिसमें आप कुछ चिंतन, कुछ मनन कर सकें, कुछ ध्यान और साधना कर सकें। कोई आपका जानने वाला, जिससे आप काफी समय से आप मिले नहीं हैं, आपकी मुलाकात नहीं है, आज अचानक उससे मुलाकात हो सकती है। आज की तिथि में आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, जल्दीबाजी में काम बिगड़ सकते हैं। आज आपको किसी भी प्रकार के शुभ परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में अवरोध से, किसी भी प्रकार से मन को आज निराश मत करिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने काम पर पूरा ध्यान लगा करके यदि आप मन लगा करके काम करेंगे तभी आपको आज सफलता मिल सकती है। जरा सी लापरवाही आपके लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। आज आपको थोड़ा सा आराम भी कर लेना चाहिए क्योंकि आपका शरीर जो है निरंतर काम करते हुए बड़ी जिम्मेदारियां लेते हुए लगातार व्यस्त रहते हुए थोड़ा सा थक गया है और वह अब आराम चाहता है। धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है, शुभ सूचना मिल सकती है। पुरानी बातों को छोड़ करके आज आगे बढ़ने का दिन है तो पुरानी सारी बातों को छोड़ दें और आगे आज से एक नई शुरुआत करें, ऐसा आपको अपना प्रयास रखना चाहिए। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा ना बनाए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी के बारे में अपने विचार देने से आज आपको बचना चाहिए क्योंकि आज ऐसा भी हो सकता है कि आपका विचार उस व्यक्ति विशेष के बारे उसके बारे में उसके प्रति आज कुछ आपको गलत जानकारी मिल जाए, आप कुछ गलत विचार दे दें, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में विचार देने से आपको बचना चाहिए। आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ गलतफहमी हो सकती है, कोई आज आपको सामाजिक सम्मान मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा भी संयोग दिखाई देता है। तो यूं कहा जा सकता है कि आपके लिए आज मिले जुले प्रभाव वाला दिन रहने वाला है। एक तरफ आपसे कोई विचार मांगेगा, आप शायद गलत विचार दे दें, वहां पर आपकी कहीं ना कहीं सम्मान में प्रतिष्ठा में कमी आ जाए, दूसरी तरफ मान सम्मान बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। तो मिले जुले प्रयास परिणाम वाला आज दिन रहने वाला है आपके लिए। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। रुपए पैसे के लेन देन में आज आपको सचेत रहना है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई नए काम का प्रस्ताव आपको मिलेगा। आप इस ऑफर को आपको मानना है या नहीं मानना है ये आप पर निर्भर करता है, अर्थात आपको नए काम का ऑफर तो मिलेगा, आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं करना चाहते हैं ये आपके अपने निर्णय पर डिपेंड करता है। आज कोई करीबी व्यक्ति आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता है, आपको उसकी बात स्वीकार लेनी चाहिए। कोई नया व्यापार बिजनेस आरंभ करने के लिए आज का दिन बेहतर है, पहले की परिस्थितियों से आज परिस्थितियां आपके लिए काफी लाभकारी दिखाई देती हैं। ओम पापहारणे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन की चंचलता को नियंत्रित करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज सुझाव ये है कि आज आप जो भी कहें बहुत सोच समझ करके चिंतन मनन करके ही कहना चाहिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी बात से आज कोई दुखी हो जाए, किसी को आपकी बात बुरी लग सकती है। आज आपसे कोई व्यक्ति मदद मांगने आ सकता है, खासतौर पर आपका कोई मित्र आपके पास आ सकता है, आपको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने अतीत को भुलाना पड़ेगा। आज के दिन को पूरा फायदा उठाने के लिए ओम परस्मय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके बॉस आपके उच्चाधिकारी आज आपको प्रमोशन देने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका मूल कारण जिसकी वजह आपका मेहनती स्वभाव है। अपने किसी मित्र को लेकर के आज आपके दिल में विशेष भावना जागृत हो सकती है लेकिन उसे व्यक्त करने में आप थोड़ा सा हिचक महसूस कर सकते हैं। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कटु वचन बोलने से आपको बचना चाहिए। अब जानते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके साथी को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है और आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए। आपका लापरवाह वाला जो स्वभाव है वो आपके लिए आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकता है, तो अपने कार्यक्षेत्र में अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में आपको लापरवाही करने से बचना चाहिए। हिचकिचाहट में ज्यादा समय बर्बाद न करें और जल्दी ही अपने मन की बात जो आपके करीबी लोग हैं उनसे आपको व्यक्त कर देनी चाहिए। जो भी भावनाएं आपके मन में हैं, जैसा आप सोचते हैं, जो आपके विचार हैं, उनको आप बता दें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नागराज यज्ञ पवित वते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में कोई नया पार्टनर जोड़ना या साझेदारी में कोई नया व्यापार आरंभ करना वर्तमान समय में आपके लिए बहुत उत्तम नहीं है। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है, आज के दिन को वो शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने किसी खास व्यक्ति के साथ आज आपकी शाम सुहानी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि अधिक काम की वजह से आप बहुत अच्छा एंजॉय न कर पाए या एंजॉय करने का समय आपको न मिले। पुरानी बातों को लेकर के बैठने का आज दिन नहीं है, आज का दिन है आगे बढ़ने का, जो हो गया उसे भूल जाएं और आने वाले कल की सोचें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यथा कहीं निवेश करने से बचना चाहिए। अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया जॉब ऑफर आपको मिल सकता है। आप काफी समय से संघर्ष कर रहे थे यदि किसी नए जॉब की, तो आज आपको बहुत अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। आज दिल की बात अगर आपके दिल में रह जाए तो बहुत देर हो सकती है, इसलिए अपने मन की बात जो है आपके जो भी करीबी लोग हैं जिनसे आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपने मन की भावनाएं व्यक्त करने में, उनसे आपको अपने मन की बातें कह देनी चाहिए। दूसरों की गलतियों को निकालने से पहले आपको खुद की अपनी खामियों को अपनी गलतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन जो है वह यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो जहां तक संभव हो यात्रा करने से बचना चाहिए। अब जानते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको किसी नए कार्य का प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। इसमें कितना लाभ है, कितना आपके हित का काम है, ये आपको अपने से निर्णय लेना है। अपनी जानकारी अपने ज्ञान के आधार पर आपको ये निर्णय करना है कि आप इस कार्य को स्वीकार करते हैं या नहीं। हो सकता है किसी बात को लेकर के आज आपको काफी क्रोध की स्थिति का सामना करना पड़े, बहुत ज्यादा गुस्सा आए, लेकिन ये किसी भी परिस्थिति में आपके पक्ष में आपके हित में नहीं होगा, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं होगी। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। आज जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम ना उठाएं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से आज आप बचें। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के उस पार महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, हम लोगों ने ये क्रम आरंभ किया है। हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि हिंदू धर्म के सनातन परंपरा के 16 संस्कार जिन्हें कहे जाते हैं वह संस्कार क्या हैं। इसी क्रम में हमने कल चर्चा की थी कि गर्भाधान संस्कार क्या होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पुंसवन संस्कार क्यों आवश्यक होता है और इस संस्कार के बारे में क्या है संपूर्ण विधि विधान, क्या है इसका महात्म, क्या है इसकी सारी विधि, ये आपको आज जानकारी दे रहे हैं। हिंदू धर्म में संस्कार परंपरा के अंतर्गत भावी माता पिता को यह तथ्य समझाए जाते हैं कि शारीरिक मानसिक दृष्टि से परिपक्व हो जाने के बाद समाज को श्रेष्ठ तेजस्वी नई पीढ़ी देने के संकल्प के साथ ही संतान पैदा करने की पहल करनी चाहिए। गर्भ स्थित हो जाने के बाद यानी गर्भ धारण हो जाने के बाद गर्भ ठहर जाने पर भावी माता पिता के आहार विचार उनके जो व्यवहार हैं आचार हैं चिंतन हैं भाव हैं जो उनके मनोभाव होते हैं जो वो सोचते हैं जो उनके चिंतन की क्रिया है सभी को उत्तम और संतुलित बनाने का प्रयास किया जाता है। उसके लिए अनुकूल वातावरण भी निर्मित किया जाए। गर्भ के तीसरे माह में विधिवत पुंसवन संस्कार संपन्न कराया जाए क्योंकि इस समय तक गर्भस्थ शिशु के विचार तंत्र का विकास प्रारंभ हो जाता है यानी बच्चा भी धीरे धीरे अपनी सोच को डेवलप करने लगता है, उसके शारीरिक क्रम का विकास जो है उसका मानसिक विकास आरंभ हो जाता है जिससे वो फिर आगे विचार तंत्र को डेवलप करता है। तो उस प्रकार से किस उसको तैयार किया जाए, माता पिता को तैयार करें और भावी संतान में अच्छे संस्कार आए, इससे जुड़ा हुआ है यह संस्कार।
वेद मंत्रों, यज्ञीय वातावरण एवं संस्कार सूत्रों की प्रेरणाओं से शिशु के मानस पर तो श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता ही है, अभिभावकों और परिजनों को भी यह प्रेरणा मिलती है कि भावी माँ के लिए श्रेष्ठ मन स्थिति और परिस्थिति कैसे विकसित की जाए। इसका उद्देश्य सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, आइए ये भी जान लें कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, इस संस्कार का उद्देश्य क्या है। यह संस्कार गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी का किया जाता है, यानी माता का ये संस्कार किया जाता है, जिससे उसके गर्भ में पल रहा जो शिशु है उसका विकास सही तरीके से, शास्त्रीय तरीके से, सात्विक और वैदिक तरीके से किया जा सके। यहाँ पे कहना ना होगा कि बालक को संस्कारवान बनाने के लिए सर्वप्रथम जन्मदाता माता पिता को सुसंस्कारी होना ही चाहिए। उन्हें बालकों के प्रजनन तक ही दक्ष नहीं रहना चाहिए, वरन संतान को सुयोग्य बनाने योग्य ज्ञान तथा अनुभव भी एकत्रित कर लेना चाहिए। जिस प्रकार रथ चलाने से पूर्व उसके कलपुर्जों की आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली जाती है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन आरंभ करने से पूर्व इस संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्रित कर लेना अनिवार्य होता है, या यूं कहें कि एकत्रित कर लेनी चाहिए किसी भी जिम्मेदार माता पिता को। यह अच्छा होता है अन्य विषयों की तरह आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में दाम्पत्य जीवन एवं शिशु निर्माण के संबंध में शास्त्रीय प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था रही होती है। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति संस्कारों के शिक्षणात्मक पक्ष से भली प्रकार पूरी हो जाती है। प्रजनन वैयक्तिक मनोरंजन नहीं है, वरन सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसलिए समाज के विचारशील लोगों को निमंत्रित कर उनकी सहमति लेनी पड़ती है, यही गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। आधुनिक भारतीय समाज के अंधाधुन पाश्चात्य संस्कृति के अनुसरण के वजह से और विवेक की कमी के कारण वह संतानोत्पत्ति को भी वैयक्तिक मनोरंजन का रूप आज के समय में मान लिया गया है। इस कारण गर्भाधान संस्कार का महत्व आपने देखा होगा कि आज हमारे समाज में, हमारे रीति रिवाजों में कम हो गया है। इतने पर भी उसकी मूल भावना को भुलाया ना जाए, उस परंपरा को किसी न किसी रूप में जीवित रखना चाहिए। गृहस्थ एकांत मिलन के साथ वासनात्मक मनोभाव न रखें, मन ही मन आदर्शवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहें तो उसकी मानसिक छाप बच्चे की मनोभूमि पर अंकित होगी। लुक छिप कर पाप कर्म करते हुए भयभीत और आशंकाग्रस्त अनैतिक समागम व्यभिचार के फलस्वरूप जन्मे बालक अपना दोष दुर्गुण साथ लेकर के आते हैं। इसी प्रकार उस समय दोनों की मनोभूमि यदि आदर्शवादी मान्यताओं से भरी हुई हो तो मदालसा, अर्जुन आदि के प्रकार मनचाहे स्तर के बालक या यूं कहें कि संतान जो है वह उत्पन्न किए जा सकते हैं। गर्भाधान संस्कार का प्रायोजन भी यही है। वस्तुतः वह प्रजनन विज्ञान का आध्यात्मिक एवं सामाजिक स्थिति का मार्गदर्शन करने वाला संस्कार ही था। आज संस्कारों का जबकि एक प्रकार से लोप हो गया है, गर्भाधान का प्रचलन कठिन पड़ता है, इसलिए उसे आज व्यवहारिक न देखकर उस पर विशेष जोर नहीं दिया गया है। फिर भी उसकी मूल भावना यथावत रखी गई है, हमारे धर्मशास्त्रों में उसकी मूल भावना इसी प्रकार से है। तो किस प्रकार संतान को अच्छे संस्कार मिले, किस प्रकार आपकी संतान तेजस्वी हो, योग्य हो और भविष्य में आने वाले समय में राष्ट्र का, अपने समाज का उद्धार और कल्याण करे, उनके जीवन को, जीवन स्तर को और सुधारने का कृत्य करे, इसी से जुड़े हुए हमारे संस्कार हैं। और उस क्रम में यह पुंसवन संस्कार जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है, या यूं कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है उस संस्कार की। तो इस प्रकार के संस्कारों को हमें छोड़ना और भूलना नहीं चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले भी आवाहन किया था कि हमें अपने वेदों की तरफ लौटना चाहिए, एक बार पुनः अब ये समय आ गया है कि जब हम अपने वेदों और अपने संस्कारों की तरफ वापस लौटें और निश्चित तौर पर अपने जीवन को समृद्ध बनाने में उसका लाभ ले सकें। चलिए ये तो था आज का महा उपाय। अब हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, भीलवाड़ा से नारायण है हमारे साथ। नारायण पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार, बताइए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर सरकारी नौकरी कब तक लगेगी मेरी? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। सर 10 नवंबर 1991। जी 5:10 शाम को। जी भीलवाड़ा। जी देखिए, जहाँ तक आपकी सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो बंधु बहुत अच्छी स्थितियाँ आपके लिए सरकारी नौकरी की नहीं बनती हैं। सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा है, आपकी कुंडली के अनुसार वर्तमान समय में यदि आप प्रयास करें
तो प्राइवेट सेक्टर्स में आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो योग होने चाहिए वो किसी न किसी प्रकार से क्षीण है। फिर भी यदि आप प्रयास करना चाहते हैं, एक दो अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप सूर्यदेव को रोज नियमित स्नान के उपरांत जल अर्पित करें और उसके साथ साथ एक पाठ हनुमान चालीसा का करें। सूर्य मंगल का मजबूत होना, समृद्ध होना सरकारी नौकरी के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्यदेव को जल दें, गायत्री मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ईश्वर की कृपा होगी तो निश्चित तौर पर आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। चलिए अगला कॉलर हमारे साथ यूपी से है, आकांक्षा है हमारे साथ फोन लाइन पर सीतापुर से। आकांक्षा पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, बताइए। हाँ सर, मेरा नाम आकांक्षा श्रीवास्तव है, सीतापुर यूपी जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1987 जी। तो मतलब मेरे उसमें प्रॉब्लम बहुत पड़ रही है, तो क्या मेरी जॉब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आगे मतलब आगे की लाइफ जी। आप मुझे अपना जन्म विवरण पूरा बता दें, जन्म का समय और स्थान भी बताइए। जन्म का समय है शाम 6 बजे 29 सितंबर 1987। वो आपने बता दिया, स्थान जन्म का स्थान बता दें। सीतापुर यूपी जी। जी बिल्कुल, देखिए आपने भी प्रश्न किया सरकारी नौकरी से संबंधित और सूर्य मंगल दोनों ग्रसित हैं केतु और राहु के साथ, तो ऐसी परिस्थिति में सरकारी नौकरी के लिए तो बहुत अच्छा योग नहीं बनता, बल्कि यूं कहना चाहूँगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष से संबंधित समस्या दिखाई देती है। किसी न किसी प्रकार से पितृदोष आपके पूरे परिवार पर बन रहा है। जब तक इस दोष को दूर ना किया जाए तब तक बहुत अच्छी सफलता जीवन के किसी भी क्षेत्र में और परिवार के किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचना ही बेईमानी होगी। तो बेहतर ये होगा कि आने वाली जो भी अमावस्या आपको ठीक समझ में आती है जिसमें आप कर सकते हो, परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य आपके लिए अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इससे पूरे परिवार पर ये जो दोष बन रहा है वह शांत हो जाएगा, तब कहीं जाकर के आपको अच्छी सफलता कार्य क्षेत्र में मिल सकती है। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।